आप सब लोगों का इस तीन दिवसीय कुलपति सम्मेलन के समापन समारोह में एक बार फिर स्वागत है और अधिक समय न लेते हुए सबसे पहले मैं प्रोफेसर गेशे एन सामटेन आदरणीय कुलपति सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज से अनुरोध करता हूं कि वो हम सब लोगों को संबोधित करें। Respected General Secretary Saab और हमारे colleague Dr. Devraj ji और माननीय कुलपति गण, आपने हिंदी में ही शुरू किया तो अच्छा लगा कि हिंदी में ही वक्तव्य हो, क्योंकि हिंदी में हमारा कोई सेशन नहीं हुआ, जबकि होना चाहिए। कभी कभी एक बात थी, जब मुझे नहीं मालूम कि उस समय बनारस के एरिया ईस्टर्न में था कि नॉर्थन में था, शायद ईस्टर्न में था किसी समय, तो ईस्टर्न जोन के वीसी कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तो उस समय पूरे अंग्रेजी में ही चल रहा था, तो वहाँ हिंदी स्पीकिंग बेल्ट से ही था। तो मैंने ऐसे सजेस्ट किया कि हम लोग एक एजुकेशन पॉलिसी मेकर्स हैं और फिर एक एजुकेशन के लीडर्स भी हैं, और हम देश के शिक्षा के बारे में चिंतन कर रहे हैं और फिर विचार कर रहे हैं और उसे आगे ले जाने के लिए एक मार्गदर्शन दे रहे हैं और एक रोड मैप भी बना रहे हैं। इस संदर्भ में हम लोगों को अपने भाषा में मैं बोलना चाहिए, यदि इसमें कोई हिंदी भाषी नहीं है तब तो हम अंग्रेजी में बोलना चाहिए, तो फिर अगर हम हिंदी में ही बोल लें तो यद्यपि संपूर्ण जो वहाँ कन्वेंशन था वो नहीं भी हो, तो कुछ सेशन तो हिंदी में अगर विषय के अनुसार भी संगत अधिक हैं तो बोलना चाहिए और होना चाहिए। तो तत्काल इसके बाद के जितने भी सेशन था वो सब हिंदी में परिवर्तित हुआ, नेम का प्लेट और सारे बैनर वगैरह जो है बदल दिए गए, तो इससे अच्छा लगा कि अभी आपने हिंदी में शुरू किया। अब ये तीन दिवसीय जो हमारे कॉन्फ्रेंस रहा और मीट AIU के 92nd मीट, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक प्रोडक्टिव रहा, कई महीनों से कई दिशाओं से, और जहाँ तक AIU के ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स हैं वो तो चलते रहे और वो एक अभिन्न अंग है इस मीट के, और इसके साथ साथ एक दिवसीय और ये सवा एक दिवसीय एक गोष्ठी भी रहा जिसका विषय फिर नैतिकता आज के युग में टेक्नोलॉजी और साइंस के इतने एडवांसमेंट के परिप्रेक्ष्य में नैतिकता का एक विषय। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगोष्ठी रही, और विशेष रूप से परम पावन दलाई लामा जी के आगमन से और उनके मार्गदर्शन से, और हमारे बहुत से फेलो वाइस चांसलर्स के लिए भी बहुत अच्छा लगा कि एक मार्ग प्रशस्त हुआ। पहले लोग सोचते थे, आज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कि एक जनरल ट्रेंड ऐसे हुआ करता था कि नैतिकता और एथिक्स जो है वो रिलीजन से ही आता है, और ऐसे जब परम पावन दलाई लामा जी ने शुरू में प्रस्ताव किया, लोगों के सामने रखा कुछ करीब दो दशक पहले, यूनिवर्सल एथिक्स या सेकुलर एथिक्स के नाम से लोगों के सामने ये विषय रखा, तो बहुत सारे एट द ग्लोबल लेवल, कई पश्चिम
देश से और कई एशिया देश से विद्वान और चिंतकों का एक ये चिंता थी कि रिलीजन के बगैर आप एथिक्स कैसे सोच सकते हैं। तो हिज होलीनेस ने अपने ग्रंथ में, दोनों ग्रंथों में और उनके अनेक प्रकार के वक्तव्यों में ये प्रस्तुत किया गया कि हमारे पास एक ऐसे तथ्य हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि नैतिकता का आधार जो है कोई विशेष धर्म नहीं, अभी तो यूनिवर्सल रियलिटी है और एक कॉमन सेंस की बात है। अब सभी हम जानते हैं कि क्रोध का क्या प्रभाव है। अब ये क्रोध कब से था, जब से मानव का इतिहास और मानव के एग्जिस्टेंस था, तब से लेकर के क्रोध और प्रेम और ये सारे चीज़ें, डिस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव इमोशंस और मेंटल जो एक ये कंपोनेंट्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं, मेंटल एपिसोड्स भी कहा जाता है, और इस तरह से ये सारी चीज़ें जब से मानव का एग्जिस्टेंस प्रारंभ हुआ था तब से लेकर के आज तक उसी प्रकार। अब ये किसी परिप्रेक्ष्य में अधिक फिर और किसी देश और सांस्कृतिक और पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में, पारिवारिक परिप्रेक्ष्य में और शिक्षण परिप्रेक्ष्य में, फिर राजनीतिक और फिर जो है एक सोशल सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कुछ ऊंचा और फिर ये अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। एक दिवसीय अपने जीवन में भी इस तरह का गिरावट भी आता है और उथल पुथल होता है, लेकिन मोटे तौर पर डिस्ट्रक्टिव इमोशंस और कंस्ट्रक्टिव इमोशंस, डिस्ट्रक्टिव में अनेक प्रकार के हैं, जैसे क्रोध है, मोह है, द्वेष है और फिर ये ईर्ष्या है। ये सारे चीज़ें जब भी हमारे भीतर प्रकट होता है और उसका फिर जो है एक चढ़ाव होता है, तब अशांति फैलती है और उस अशांति की वजह से फिर हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है और प्रभावित होता है उससे, और हमारे व्यवहार के वजह से हमारे समाज पर इसका प्रभाव पड़ता है। ये एक बहुत ही सामान्य बातें हैं, ये यूनिवर्सल फैक्ट हैं, किसी धर्म विशेष का नहीं। अभी तो ये कहा जा सकता है कि सभी धर्मों में यह पाठ पढ़ाया गया है और प्रचलन भी है, और व्यवहार में भी लाने के लिए सभी धर्मों ने समान रूप से प्रयास भी किया है, और आज तक संपूर्ण विश्व में जितने भी बड़े बड़े धर्म हैं, प्रमुख धर्म हैं, धर्म परंपराएं हैं, इन सारे परंपराओं के द्वारा चेष्टा की गई हैं, और चेष्टा करने के फलस्वरूप अपने समाज में अपने अनुयायियों की जो एक समाज है उसमें इसका प्रभाव भी देखने को मिलता है और मिलते रहे हैं। एक इसका योगदान और बेनिफिट्स जिस प्रकार होते रहे हैं, इसी वजह से अपने अपने धर्म को पालन कर रहे हैं। आज तक मानव समाज में कितने भी जितने भी धर्म हैं उन सब का सामाजिक योगदान होने के आधार पर ही आज तक टिके हुए हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि अगर किसी धर्म विशेष में ये तथ्य हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये यूनिवर्सल रियलिटीज़ नहीं हो सकते हैं। ये यूनिवर्सल, जैसे हम क्रोध का ये कंट्रोल करना, रेगुलेशन करना, और फिर अनुकंपा और कृपा, ये करुणा और फिर मैत्री आदि जो गुण हैं, पॉजिटिव वर्चूज़ हैं, वो सब फिर और विकसित करना, ये भी धर्मों में कहा गया है, और इसी वजह से फिर अपने भीतर व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत ही लाभ होता है और इसी तरह फिर सामाजिक जीवन में भी लाभ होता है। तो ये एक यूनिवर्सल रियलिटी है और वो हम कॉमन सेंस के माध्यम से हम सब अनुभव कर सकते हैं। तो ये यूनिवर्सल रियलिटी और कॉमन सेंस दो मापदंड पर आप हम इसे देखा जाए तो दोनों मापदंड और कसौटियों पर खड़े उतरे हैं। ये मात्र एक शास्त्र और परंपरा नहीं कहते हैं, लेकिन कल जैसे मैंने कहा कि आज के आधुनिकतम जो एक कुछ उच्चतम कोटि के मनोवैज्ञानिक और फिर न्यूरोसाइंस, कॉग्निटिव साइंटिस्ट,
इन जितने लोगों ने भी उस पर परखा जांचा तो लगा कि ये बिल्कुल सही है, ना केवल सही है बल्कि एक ये उपयोगी है और समाज के लिए मात्र नहीं केवल उपयोगी है लेकिन यही एक मात्र है जिससे मानव मात्र को बचाया जा सकता है। तो आज एक वैज्ञानिक भाषा के माध्यम से इन तथ्यों को समाज के सामने लाया जाता है और लाया जा रहा है जिसके जिससे लोग स्वीकार कर रहे हैं, समाज में स्वीकार इसकी स्वीकृति हो रही है और शैक्षणिक के जगत में इसकी स्वीकृति हो रही है और वैज्ञानिक जगत में इसकी स्वीकृति हो रही है और बड़े पैमाने पर इसका समावेश भी हो रहा है शैक्षणिक परंपरा में, सिस्टम्स में। इसलिए मैं समझता हूँ कि एथिक्स और सेंटर ऑफ एथिक्स भारतवर्ष के जितने भी हमारे, जैसे अभी जनरल सेशन में हमारे माननीय कई कुलपतियों का सुझाव रहा कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें एथिक्स, यूनिवर्सल एथिक्स एक अपने उस शिक्षा के एक अंग बनाया जाए, वहाँ सेंटर बनाया जाए और हर प्रकार के कोर्सेज, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे साइंस हो, चाहे ये इकोनॉमिक्स हो, किसी भी प्रकार के कोर्सेज हो, उसमें बीए और बैचलर और मास्टर लेवल में एक क्रेडिट, 3-4 क्रेडिट के लिए यूनिवर्सल एथिक्स जरूर बनाना मैं समझता हूँ कि बहुत ही आवश्यक है। इससे छात्रों को एक्सपोजर मिलेगा। बहुत सारे छात्रों को पता ही नहीं है कि ये एथिक्स क्या चीज़ होता है और ख़ास करके यूनिवर्सल एथिक्स जो कि बहुत ही एक कन्विंसिंग है और फिर जिसके पालन से तत्काल अपने में ही प्रतिफलित होकर के शांत महसूस करने लगेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में मैं समझता हूँ कि इसका इंट्रोड्यूस करना और लोगों को एक्सपोजर देना ये अत्यंत आवश्यक है आज के युग में। और ऐसी इस तरह के एक हमारे व्यवस्था के माध्यम से अधिकतम छात्रों में ये पहुँचाया जा सकता है यूनिवर्सल एथिक्स। यूनिवर्सल एथिक्स मैं समझता हूँ कि किसी के लिए एतराज होने की कोई बात नहीं है क्योंकि ये सारे बातें जो है रिलीजियस ट्रेडिशंस में भी किया जाता है और फिर एक नॉन बिलीवर्स के लिए भी इसका कोई, क्योंकि क्रोध को कम करना और करुणा को और बढ़ावा देना और उसे अनुशीलन करना, ये सब के लिए समान रूप से कोई धर्म को नकारने वाले व्यक्ति भी हों उनको फिर करुणा की आवश्यकता होती है। वो अपने माँ की करुणा से पाले पोसे हैं और फिर समाज में करुणा के माध्यम से ही जी रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भी करुणा और मैत्री की जो अनिवार्यता है अपने जीवन में वो तो महसूस करेंगे ही। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस तरह के कोर्सेस अत्यंत आवश्यक हैं और आजकल जैसे पहले 2-3 दशक पहले कॉर्पोरेट्स और गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए और एंट्रेंस लेवल पर और सिलेक्शन लेवल पर, अपॉइंटमेंट लेवल पर ये आईक्यू मात्र ही एक मापदंड हुआ करता था उसको सेलेक्ट करने के लिए, लेकिन आजकल आईक्यू ही नहीं इमोशनल कोचेंस भी, ईक्यू भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक कंपोनेंट बन गए हैं। कुछ जगह तो आईक्यू से ज़्यादा ईक्यू को माने जा रहे हैं और मान्यता दिया जा रहा है। 75% कहीं कॉर्पोरेट्स में भी 75% ईक्यू और फिर 25% आईक्यू रखा गया है। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति अगर सचमुच में उसके व्यवहार और उसके मानसिक और उसके एक इमोशनल कंट्रोल जो है रेगुलेशन ठीक है तो वो फिर उस संगठन को सभी अच्छी तरह से संचालित कर सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक ईक्यू को बढ़ावा देने के लिए पूरे समाज में इसकी एक आवश्यकता ही नहीं बहुत ही एक इसकी अनिवार्यता है। तो इसलिए इस 92nd सेशन जो हमारे AIU की रहे, मैं समझता हूँ कि ये एक ऐतिहासिक मिलन कहा जा सकता है जिसमें मैं समझता हूँ कि
एथिक्स को लेकर के विशेष रूप से अध्ययन किया गया, मंथन किया गया। और मैं समझता हूँ कि कल परसों से हम लोग बात कर रहे थे माननीय कुलपतियों के, हम लोग बीच में बात कर रहे थे, तो बहुतों को ये एक कन्विंस हो गए हैं कि वास्तव में इस तरह की जो एक पहल है, अप्रोच है, ये हमें अपने यूनिवर्सिटी सिस्टम में लाना चाहिए। तो अब जितने भी हमारे कुलपति महोदय हैं वो अपने विश्वविद्यालय में जा कर के वहाँ कुछ कार्यक्रम शुरू करें, और उसके लिए हमारे इस विश्वविद्यालय के तरफ से यदि कोई भी सहयोग की आवश्यकता हो तो फिर हम करने के लिए तैयार हैं अपने स्तर से जो कुछ भी संभव है। और फिर मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि, और अभी धन्यवाद तो हमारे धन्यवाद ज्ञापक के द्वारा किए जाएंगे औपचारिक रूप से, मैं AIU के पदाधिकरण ये अधिकारीगण और फिर आपके स्टाफ का भी हम अप्रिशिएट करते हैं कि आपने हमारे यहाँ इस 92nd मीट का आयोजन के लिए अनुमति दिए हैं, और सारे जितने भी आवश्यक सहयोग हैं आपने बहुत ही समीचीन ढंग से किए हैं, और इससे सफलता लाने में आपका बहुत ही सहयोग है, इस जिसके बगैर हम नहीं इसे एक सफलतापूर्वक संपन्न कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आज यहाँ जितने भी पधारे हुए कुलपतिगण हैं जो कि इस समय कम संख्या में हैं, हमेशा यही हुआ करता है कि वैलिडिटी सेशन में बहुत ही थिन प्रेजेंस होते हैं, बहुत ही व्यस्त रहते हैं सभी कुलपतिगण। तो वैलिडिटी सेशन में बहुत ही कम हुआ करते हैं, और कभी कभी हम लोगों को इसे समेट भी लेना पड़ता था बीच में, और इसलिए जितने भी यहाँ आए हैं 150 के ऊपर, मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपके अपने व्यस्तता के इतने व्यस्तता रहते हुए भी फिर आप यहाँ आए और हमारे मनोबल को बढ़ाया, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आपका बहुत ही सहयोग है। और इसके साथ साथ मैं अपने इस यूनिवर्सिटी के जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं और हमारे स्टाफ हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने दिन रात करके कई कुछ कमिटीज़ ने तो कई महीनों तक काम किए हैं, और सभी लोगों ने तत्परतापूर्वक लगन के साथ काम किए हैं जिसे इसे एक सफलतापूर्वक संपन्न करने में आप सबका बहुत ही सहयोग है, इसलिए मैं आपका साधुवाद देना चाहता हूँ। मुख्य रूप से एक औपचारिक रूप से हमारे धन्यवाद अभी कन्वीनर डॉक्टर देवराज जी देंगे, लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि आप सबके सहयोग प्रशंसनीय रहा है, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझता हूँ कि हम आगे बढ़ाने के लिए हमारे जनरल सेक्रेटरी आप आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर सामतेन साहब। आप सब लोग यहाँ आए, अपना समय निकाला, लगभग 3 दिन आप लोग यहाँ रहे, इस कार्यक्रम को देखा, और ये निश्चित है कि इस पर आपके अपने कुछ विचार होंगे, शायद आप हमारी थोड़ी सी प्रशंसा भी करें, हो सकता है आप आगे के लिए कुछ सुझाव भी दें। तो इनको जानने के लिए मैं आप में से कुछ लोगों से अनुरोध करूंगा कि वो अपने विचार यहाँ रखें। जो 2 नाम मुझे दिए गए हैं, पहले मैं वहाँ से प्रारंभ करता हूँ, उसके अलावा भी अगर कोई साहब आकर के यहाँ पर अपने विचार व्यक्त करना चाहेंगे तो उनका स्वागत है। सर्वप्रथम मैं प्रोफेसर एन रामचंद्रन, वाइस चांसलर संदीप यूनिवर्सिटी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो अपने विचार और आगे के लिए सुझाव दें।
Namaskar and pleasant afternoon. Because after that, you know, I don't have any more Hindi words to utter, though I understand in Hindi. Bother me this year. Next year, I will certainly speak in Hindi. This message I am carrying. Following Puttam Saranam Kachami, Sangam Saranam Kachami, Dhammam Saranam Kachami. See, with this great personalities on the chair, the Mr. Chairperson, the learned Vice Chancellor of this great university, institutes, and our most studious and dynamic Secretary General, Forgan Kamar. You know, he manages everything. We too only follow. And really, it's a very honor to have such an eminent person who is taking the chair of Secretary General. In the absence of my good friends, Professor P.B. Sharma, the President of AIU, and Vice President Professor Sandeep Sati, Sanchetti, and our beloved Registrar of this great institution. Though Vice Chancellor Professor Sampton is going everywhere, I could see his presence is there. Omnipotence, omnipresence. And that is possible only because of Professor, R.K. Upadhyay, the Registrar of this institute. No doubt. Everybody, even students, they are clapping. That means it shows how he has control over everybody. I want to mention three names from the student side. Mr. Negi, who is an MPhil scholar, who is doing his research on Buddhism and the moral values. I suggested him yesterday, continue to carry on your PhD. And a nice guy who has received us at Hotel India. Until this moment, he is taking care of all of us. We are all under one network. Yeah. And then another guy is the master of ceremonies, who are very young chaps, by name Karma and Nema. Fantastic fellows. That speaks about the quality of students. And then the overall ambit and ambience, really as if we are in a very great institution, with a very great environment, with very great minds. We are carrying, as President is repeatedly putting a word, Kumbh of Kulpatis. Yes. Really, a very big change that everybody we are carrying, no doubt about it. And such an environment you have provided from day one, from today, even till we leave this campus. We are carrying with a very great message that universal ethics, professor who has suggested the secular ethics, immediately our dynamic Secretary General, universal ethics. This is where the like-minded initiate something and ends with a good thing. So that's where, sir, this 92nd annual general meet of AIU is a very remarkable and carrying with a good message and with a theme, imbibing human values in every segment of our higher seat of learning. So with this, the galaxies of Vice Chancellor who made presentations from session one till the end, something remarkable. Except few, their own sharing their experiences, understood, but still, overall perception, to my knowledge as a learner, as an obedient student of engineering, that I will rate this as A++ grade, which goes with the category one of this country. Thank you very much for the opportunity, sir. Thank you very much. Thank you, Professor Ramachandran, for your words motivating us to do even better for the future. अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर हरिकेश सिंह जी को, जो कुलपति हैं जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा.
मित्रों, मैं आप सब लोगों की तरफ से सर्वप्रथम तिब्बत की पवित्र भूमि को जो संघर्ष में है उसको प्रणाम करता हूँ, जिसके उत्पाद पूज्य पावन दलाई लामा जी हैं, जो विश्व को अहिंसा और सत्य का संदेश दे रहे हैं, नहीं बल्कि जी रहे हैं और लोगों को सत्य और अहिंसा का जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उनके अनुयायी, उनके सहकर्मी के रूप में प्रोफेसर एन सामतेन जी हैं, जो इस केंद्रीय संस्थान, केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, और काशी में सारस्वत परंपरा को, स्कॉलरली ट्रेडिशन को एक्सेलरेटर के रूप में अग्रेता हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैं प्रणाम करता हूं एआईयू के सेक्रेटरी जनरल भाई फुरकान कमर जी का, और साथ ही उम्र में मुझसे छोटे जरूर हैं परंतु इनके प्रबंधन और इनके प्रशासन की क्षमता, डॉक्टर देवराज सिंह जी को भी मैं प्रणाम करता हूं। और फुरकान भाई और देवराज जी दोनों एक ही क्षेत्र के, एक ही गांव के आसपास के हैं। मैं भी उसी जिले से आता हूं, गाजीपुर से। तो और गाजीपुर जब हम कह रहे हैं तो ईस्टर्न यूपी का ये जो भाग है, अशोक भाई हमको अगर अनुमति दें तो गाजीपुर का GZ इस्माल में, शॉर्ट में एक्रोनिम, गाजीपुर का GZ, आजमगढ़ का A, बलिया का B और देवरिया का D, गजब क्षेत्र है ये। तो ये भोजपुरी क्षेत्र है, जहाँ भोज में पूरी मिलती है खाने में, तो उसको भोजपुरी कहते हैं। मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। R.K. उपाध्याय जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी रजिस्ट्रार हैं, यहाँ पर रजिस्ट्रार हैं, और संयोग से ये गाजीपुर और बलिया के बॉर्डर पर एक बहुत बड़ा गांव है, चित बड़ा गांव, वहाँ के रहने वाले, इनको प्रणाम करता हूँ। ऑडियंस में बैठे हुए हम सब लोगों के अभिभावक, सबसे लंबे समय तक इस देश में कुलपति रह चुके प्रोफेसर YC सिम्हाद्री जी को सबसे मैं पहले प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने इस देश में शैक्षिक प्रशासन को समझाया कि व्हाट आर दी एक्सपर्टीज, व्हाट आर दी मेरिट्स एंड व्हाट आर दी स्किल्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। मैं सहर्ष कहना चाहता हूँ कि जो लोग बनारस के से परिचित हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर सिम्हाद्री साहब का 3 साल का कार्यकाल आगे के 5 सक्सेसिव वाइस चांसलर्स को सफलतापूर्वक कुलपति पद चलाने के लिए सुविधा प्रदान किया। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। 3 जनरेशन से पटना के विश्वविद्यालय में कब्जा किए हुए लोगों को घर बना लिया लोगों ने विश्वविद्यालय में। पटना में चीफ जस्टिस, वहाँ के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से व्यक्तिगत रूप से मिल करके उन्होंने कहा कि आप हस्तक्षेप मत करिएगा, और प्रोफेसर सिम्हाद्री साहब ने खाली करा दिया, और पटना विश्वविद्यालय में आज जो कुछ भी बचा है आपके वजह से बचा हुआ। यह श्रेय जाता है AIU को। कमर भाई, प्रोफेसर सिम्हाद्री साहब भी आपके प्रेसिडेंट रहे हैं और प्रोफेसर रिनपोचे साहब भी रहे हैं। AIU से हम लोगों का बहुत पुराना रिश्ता है, मेरा विशेष रूप से इसलिए रिश्ता पुराना है कि एजुकेशन मेरा सब्जेक्ट है, और प्रोफेसर अमरीक सिंह जी को हम लोगों ने यहाँ भी आने के लिए आमंत्रित किया था, वो जब रहे तो आते रहे, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हमारे एजुकेशन फैकल्टी में भी जब हम डीन थे तो ही होलीनेस भी गए थे। तो आपके माध्यम से आज एक बार पुनः तमाम कुलपतियों को प्रणाम करते हुए और यहाँ के छात्रों को विशेष प्रणाम करते हुए कि ये आज भी अपने फ्रीडम मूवमेंट में लगे हुए हैं, मैं इनके साथ एक छोटा सा सिपाही हूँ। 1974 से जो तिब्बत के मुक्ति का आंदोलन है उसके साथ मेरी सहभागिता है। अशोक भाई भी जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में चौहान साहब के साथ पढ़ते थे, और हम और चौहान साहब जब आपस में चुनाव लड़ते थे, हम सोशलिस्ट पार्टी से, SYS से, और वो विद्यार्थी परिषद, तो हम सब लोगों इससे यहाँ से इस रूप में जुटे हैं जिसका एक इमोशन है। और इसलिए अमरीक सिंह साहब से लेकर के, और जब वेद प्रकाश जो अभी UGC के चेयरमैन थे, वो भी जब रिसर्च एसोसिएट थे, हम लोगों के क्लासमेट हैं, तो उस समय से इंडियन एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ ने वास्तव में जो काम किया और आज भी जो कुछ काम कर रही है उससे ही एक डायरेक्शन मिलता है। मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि 3 दिन में मेरा एक ही व्रत रहता है कि जहाँ जाएँ तो वहाँ पूरे समय रहना चाहिए। 3 दिन में जो कुछ आया है और जो आपने अपने दोनों जनरल बॉडी के मीटिंग में रिजॉल्व किया है, ये रिजोल्यूशंस
निश्चित रूप से भारतवर्ष में जहां क्राइसिस है हायर एजुकेशन पर और सारी स्टैट्यूटरी बॉडीज जहां असफल होने की दिशा में हैं या उन पर एलिगेशंस हैं, जिस जब NCHR की बात हो रही थी और जब प्रोफेसर यशपाल से हम लोग नूपा में डिस्कस कर रहे थे और तमाम उन एलिगेशंस हैं, उनमें भी AIU ने जितने इनिशिएटिव्स लिए हैं और इस बार में जो आपने रिजोल्यूशंस लिए हैं और जिसको अन्य लोगों ने भी सुझाया था, अभी जो पिछले सेशन में भी बात हुई है, आपके ये रिजोल्यूशंस इस देश में हायर एजुकेशन को बचाने में और हायर एजुकेशन को बढ़ाने में लैंडमार्क साबित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि हम सभी कुलपतियों को, जैसे कुंभ कहा जाता है कि कुंभ वहाँ जो इलाहाबाद और नासिक में और हरिद्वार में लगता है, तो उसके सक्सेस का अध्ययन करने के लिए हार्वर्ड बिजनेस कॉलेज इंस्टीट्यूट के लोग भी आते हैं, उसी तरह से इस इवेंट को प्रोफेसर सामतेन साहब और उनकी टीम कैसे आयोजित करती है, इसका भी अध्ययन आपके सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए, मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से होना चाहिए, जामिया के दृष्टिकोण से होना चाहिए। जामिया से भी मेरे हम लोग के रिश्ते बहुत पुराने हैं, इसलिए आप तो घर के हैं, जब सलामतुल्ला साहब होते थे तो हम लोग के एक्सपर्ट होते थे। इसलिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि केंद्रीय तिब्बती संस्थान जो एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जो लोग बचे हुए हैं यहाँ उपस्थित हैं इस समय, उनको यहाँ के रेयरेस्ट स्क्रिप्ट्स को कैसे बचा के रखा जाता है लाइब्रेरी में, ये भी देखना चाहिए। और आखिरी बात इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक एक क्षण, और जिनको बच्चियों के बारे में जिनको नाम लेकर के अभी हमारे डॉक्टर साहब ने कहा, जो पहले सर ने कहा, कुलकर्णी सर ने, ये सही है कि जिस जेस्चर और जिस पोस्चर से, जिस सेंटिमेंट और इमोशन से यहाँ के वॉलंटियर्स ने सर्विस किया है, वो भी अध्ययन का, कि वो कौन से उनके पर्सनलिस्टिक ट्रेट्स हैं या एट्रीब्यूट्स हैं कि उनके अंदर वो ह्यूमन एलिमेंट है जो हमको इंस्पायर करता है कि हम भी उनसे सीखें। मैं आपको कंग्रेचुलेट करता हूँ, आपको थैंक्स देता हूँ आयोजकों की तरफ से और AIU की तरफ से, AIU के ऑफिशियल्स भाई अमरेंद्र, रमा और सारे लोगों ने जिस तरह से एक एक इंडिविजुअल से रेपो रख करके और फीडबैक लेते रहे और उनके कन्वीनियंस के बारे में सोचते रहे, वास्तव में AIU के वे सारे जो आपके ऑफिशियल्स हैं, आपके कलीग्स हैं, वो अप्रिशिएट। कल हम लोग शहर में बात कर रहे थे और बहुत ही एक नॉन फॉर्मल ग्रुप था या इनफॉर्मल ग्रुप था, वहाँ ये बात यहाँ की एनालिसिस हो रही थी, वह बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि वास्तव में कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए। और हम तो पेडागॉजी के ही, टीचर एजुकेशन के ही प्रोफेसर हैं, लेकिन मैंने फुरकान भाई आपसे, आपके बारे में कल यहाँ के तिब्बतन स्टूडेंट्स के बीच में बात हो रही थी कि कम्युनिकेशन का तो सीखना हो तो आपसे सीखना चाहिए कि किस तरह से एक्सेंट होना चाहिए, किस तरह से पाज होना चाहिए। तो फोनेटिक्स और कम्युनिकेशन के यानी साइबरनेटिक्स के स्कॉलर के रूप में और एक्सपर्टीज के रूप में मैं आपको सलाम करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ बशीर बद्र की, चूँकि शेरो शायरी से कुछ लोगों को ये होता है, तो मैं बशीर बद्र की दो तीन लाइनें कहता हूँ। भोपाल से अशोक भाई अब आए हैं, आप तो यहीं से गए हैं, मुझे सबसे अधिक उपलब्धि तो इसमें एक हुई जो इसको मैं भूल गया था, आदित्य है ना, या आदित्य जो आए थे वो सर, फुरकान भाई सर, सामतेन सर, आदित्य उस परिवार से हैं, उनके जो परदादा थे वो प्रिंसिपल हुआ करते थे टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, पुराना नाम है फैकल्टी ऑफ एजुकेशन का, प्रोफेसर HB मलकानी, उन्होंने डॉक्टर श्रीमाली को पढ़ाया था, डॉक्टर KL श्रीमाली को पढ़ाया था जो शिक्षा राज्य मंत्री थे नेहरू जी के साथ, जो BHU के कुलपति थे। उन्होंने हरिवंश राय बच्चन को पढ़ाया था, अमिताभ बच्चन के पिता को पढ़ाया था। उन्होंने गिरधर मालवी के पिताजी को पढ़ाया था। तो वो HB मलकानी साहब उनके परदादा होते हैं, उनकी ही बेटी थी जो कमलापति त्रिपाठी जी की पुत्रवधू थी। तो इस तरह से इस आपकी गैदरिंग में उनसे मिलने को मौका मिला, अन्य सभी मित्रों से मिलने को मौका मिला। मैं आपको बशीर बद्र की दो पंक्तियां कह करके, तीन पंक्तियां, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। कहां आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे नई बात होगी, चिरागों को आंखों में महफूज रखो न, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, सदाओं को अल्फाज मिलने न पाए, न बादल घिरेंगे न बरसात होगी, मुसाफिर हो तुम भी मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर हरिकेश सिंह जी,
आप में से कोई और सज्जन अपनी बात अपने विचार रखना चाहेंगे? एक हाथ पीछे से प्रोफेसर सुनील राय जी, और तो प्रोफेसर सुनील राय जी और उसके बाद इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिछले तीन दिन जो हम सबके बीते हैं वो हमारे जीवन के अच्छे दिनों में से तीन दिन हैं, और इन सबको जैसा अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि मैं नमन करता हूँ सामतेन सर का, उनकी सारी टीम का, और बहुत प्यार से आशीर्वाद देता हूँ इन सब बच्चों को। सर ने सही कहा था, इन बच्चों ने हमारा दिल जीत लिया है। जितने अपनत्व प्यार और दुलार से आप लोगों ने हम सबको देखा, वास्तव में जाने के लिए मन नहीं कर रहा। जगह के अलावा सर, ये आपका नेतृत्व है जो इन बच्चों के रूप में हम सबको दिख रहा है, तो पुनः आपको नमन, आपकी सारी टीम को नमन, और इन बच्चों को बहुत बहुत प्यार आशीर्वाद। आप लोग जीवन में बहुत आगे जाएंगे, और ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा कि जल्द ही तिब्बत को आज़ादी मिले, जिसे हम कहते हैं ड्रैगन, उसमें कुछ परमपिता अकल डालें और वो इन सब चीज़ों से हटे। और मैं ईश्वर से सदा प्रार्थना करूंगा कि जो तिब्बत का वास्तविक हक है वो उनको मिले, और ये बच्चे जाकर के उसको एक स्वर्णिम देश बनाएं जो वो डिज़र्व करता है। तो ये तो मेरा नमन हुआ सर को और आपकी टीम को। AIU, जैसा सर ने कहा, एक ऐसी संस्था है जो वास्तव में कारगर संस्था है। काफ़ी सर दूसरी संस्थाओं में भाषण होते हैं, रिजोल्यूशंस होते हैं, पर उन पे अमल नहीं होता है। मैं देख रहा हूँ, चार साल से मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है फुरकान कमर जी से और उनकी टीम से, और जैसा सर आपने कहा था, इनकी सारी टीम इतनी कमिटेड है, चाहे वो वीना जी हो, प्रदीप जी हो, डेविड साहब हो, जो कम्युनिकेशन है वो भी फुरकान कमर साहब की ही देन है कि ये लोग किसी भी स्टेज पे कोई भी अपना कम्युनिकेशन का जरिया छोड़ते नहीं हैं। मेल डाल देंगे, इन्हें मालूम है कि ये लोग मेल पढ़ते नहीं हैं, तुरंत उसके थोड़ी देर बाद सर व्हाट्सएप आ जाता है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि व्हाट्सएप तो हम पक्का पढ़ेंगे। और तीन दिन तक अगर व्हाट्सएप नहीं पढ़ा तो वीना जी का, नहीं तो प्रदीप जी का, नहीं डेविड साहब का फ़ोन आ जाता है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है हम सबको इकट्ठा रखने के लिए। इन सब वंदन और नमन के बाद अब मैं आपको नमन पेश करता हूँ अपने सब सीनियर वाइस चांसलर जो यहाँ मौजूद हैं। आपकी ही उपस्थिति ने इसको इतना सफल बनाया है, इसमें कोई दोराय नहीं है। मैं आप सबका भी नमन करता हूँ। एक छोटा सा सजेशन सर मैं आपके लिए पेश कर रहा हूँ। जैसा कि प्रोफेसर सामतेन सर ने भी कहा था कि ये एक स्टैब्लिश्ड फिनोमेना है, इसके लिए मैं शब्द ढूंढ रहा था, हिंदी में मिले नहीं इसलिए इंग्लिश में ही बोल दिया। ये एक स्टैब्लिश्ड फिनोमेना है कि वैलिडिक्टरी जो है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का पूरा सूचक होती है। पहला दिन शुरू होता है, पीछे की तक कुर्सियाँ भरी होती हैं, फिर जैसे जैसे पहला दिन तक तो वो सब चलता है, दूसरे दिन थोड़ा और कम होता है, और तीसरे दिन तक ये। तो मेरा सर आपके लिए सुझाव है, और कई इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो डिस्कस होती हैं जनरल सेशन में, तो मेरा सर आपको एक निवेदन है आपसे, आपके कंसिडरेशन के लिए, कि एक फॉर्मेट पे मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि पहले दो दिन तो जो अपने जैसे होते हैं वैसे हों, तीसरा जो दिन है सर, और उसमें अपन समय उसमें से बचा सकते हैं सोशलाइजिंग वाला जो है, उसको अपन थर्ड डे के लिए रख लें सर, ताकि थर्ड डे विल बी फोकस डिस्कशंस, जहां जो लोग वास्तव में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, चाहे वो अपनी तरफ से आ रहे हों, चाहे वो AIU की रिक्वायरमेंट है कि आपने प्रपोजल दिया है या इस पर कोई मुद्दा है जिस पर हमने डिस्कस किया है, तो वो तीसरा दिन जो है फोकस्ड सेशन के रूप में मनाया जाए,
और वैलिडिक्ट्री सर मेरा आपसे निवेदन है कि दूसरे दिन अपन करें और उसके बाद में तीसरा दिन एक फोकस डिस्कशन, एक मेरा ऐसा आपके लिए सुझाव है। और पुनः सर आप सबको नमन है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दिए गए सुझावों पर विचार जरूर करेंगे, लेकिन समापन के बाद तो प्रोग्राम समाप्त हो जाता है, उसके बाद फिर कोई प्रोग्राम कैसे करें जरा इस पर भी विचार करना होगा। अगला नाम जो मेरे सम्मुख है वो प्रोफेसर पी के दशोरा साहब का है, जो वाइस चांसलर हैं कोटा विश्वविद्यालय राजस्थान के। प्रणिपात सभी को, बहुत सुंदर आयोजन, प्रथम दिन से लगाकर से एक क्षण तक ऐसा कोई क्षण नहीं जिसको याद नहीं रखा जाए और जिसके बारे में कोई न्यूनता बताई जाए। फिर भी मुझे दो पंक्तियां याद आती है जो हम में बैठे हुए सभी को स्मरण रखनी चाहिए, जीवन में उसका मंत्र रखना चाहिए। पंक्तियां हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन तेल के निर्मल करे शोभाए। मित्रों बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी, सब सुनी, मैं यहां कुछ और अपेक्षाएं भी कर रहा था। एक शिक्षक होने के नाते, एक कुलपति होने के नाते, सामान्यतः विश्वविद्यालयों की समस्याएं और उनके संभवित सुझाव, उनके समाधान के लिए संभवित सुझाव तथा अनुभव जो हमारे साथियों के हैं, उनकी मुझे थोड़ी सी न्यूनता लगी, क्योंकि हम सभी देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में जो स्वायत्त हैं, अपने आप का निर्णय लेने में सक्षम है, अलग अलग तरह की समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, और उन समस्याओं में हमारे अनुभव एक दूसरे के लिए काम आ जाएँ तो निश्चित रूप से वे बहुत बड़ी निधि होगी, यहाँ आने का एक बहुत बड़ा प्रयोजन पूरा होता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। दो दिन का अपनी, तीन दिन की इस चर्चा में हम कुछ महत्वपूर्ण विषयों को छू भी नहीं पाए जो कि विश्वविद्यालयों के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। जैसे मैं उदाहरण दूंगा, हमारा कैरिकुलम फॉर्मेशन, कैरिकुलम फॉर्मेशन पर कहीं एक सत्र होता, कैरिकुलम के अंदर जैसे अभी यूनिवर्सल वैल्यूज़ की बात आई, हमारा एक 3 क्रेडिट का कोर्स होना चाहिए, सरकार से UGC से कई इस प्रकार के सर्कुलर आप सबके पास भी आए होंगे, हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट का भी होना चाहिए, कंप्यूटर का भी होना चाहिए, लैंग्वेज का भी होना चाहिए और पता नहीं किस किस का होना चाहिए। अब उन सारे के हम क्रेडिट कोर्सेज को एक्यूमुलेट करना शुरू करेंगे क्रेडिट कोर्सेज को, तो मेन कोर्स तो हम पढ़ा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 2 साल में हमें पढ़ाना है, हमारे पास टाइम लिमिटेड है। तो हम इसके बारे में, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में चिंतन करना बहुत आवश्यक, इट्स वेरी नेसेसरी टू थिंक ऑन, एंड AIU शुड टेक अ स्टैंड कि हम कहीं पर भी कभी भी कोई रिकमेंडेशन दे देते हैं, ऊपर से आ जाती है आप करिकुलम में डालिए इसको। तो इस विषय में कि इस प्रकार के एक्स्ट्रा जो आपको कवर करना है वो किसकी कॉस्ट पर कितना करना है, वेदर इट शुड बी क्रेडिट और नॉन क्रेडिट, इसके बारे में हमारे पास कोई चीज नहीं। दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण चीज है जो कि आज पूरे देश के अंदर चिंता का विषय है, हमारा बढ़ती हुई PhD की संख्या और गिरता हुआ अनुसंधान का स्तर। बढ़ती हुई PhD की संख्या और गिरता हुआ अनुसंधान का स्तर, यदि AIU अथवा UGC ये इस विषय पर चिंता नहीं करेगी, हम कुलपति लोग बैठकर के चिंता नहीं करेंगे, विमर्श नहीं करेंगे, तब हमारा काम कैसे आगे जाएगा। क्योंकि मुझे लगा कि आजकल PhD को तो हम सभी इस बात से सहमत होंगे कि जिस दिन से PhD असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एक आवश्यक योग्यता हो गई है, उस दिन से PhD का स्तर MA के स्तर के बराबर होना शुरू हो गया। अब इसमें हम सुधार कैसे करें, ये अगर हम चिंता नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ऐसे कई और भी विषय हैं, क्योंकि समय, मैंने कहा जितना समय देंगे उतना ही बोलूंगा, तो समय सीमा पूरी हो रही है, मैं इस बात का, और मैं क्योंकि समय के अंदर ही अपनी बात पूरी करना चाहूँगा, आते ही जो हमें एक AIU की जर्नल मिली, मैगजीन मिली, बहुत सुंदर बनाई है,
उसमें कवरेज जो आया है, क्योंकि किसी ने कहा नहीं उस बात का, तो मैं इसके एडिटर्स को, आपको सबको बधाई देता हूँ कि उसको बहुत अच्छे तरह से, बहुत बढ़िया अच्छे आलेख उसमें आए हैं, और वैसे भी अच्छे आलेख उसमें आते हैं। तो मैं इसमें एक थोड़ा और सुझाव दूंगा कि अगर इसमें कुछ हिंदी के आलेख भी आना शुरू हो जाएं, यदि हिंदी के आएंगे तो बहुत बड़ी रीडरशिप बढ़ेगी, और वह रीडरशिप बढ़ेगी तो उस रीडरशिप के कारण से जो हम विचार देना चाहते हैं वह विचार अधिक से अधिक पहुंचेगा। और एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा, जब से आया था विषय को पढ़ा तब से लगा करके एक चीज मेरे दिमाग में बराबर चुभ रही थी, विषय, मूल विषय, सेक्युलर वैल्यूज। मेरा प्रश्न था क्या वैल्यूज भी सेक्युलर हो सकती हैं, या वैल्यूज के लिए भी सेक्युलर होना जरूरी है? पर मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बाद में यूनिवर्सल वैल्यूज को नाम दे दिया, क्योंकि सेक्युलर शब्द अपने हिंदुस्तान के अंदर बड़ा भ्रष्ट हो गया। इस भ्रष्ट शब्द को हटा करके हम वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो यूनिवर्सल वैल्यूज को ही हम आगे, शब्द को आगे प्रपोगेट करते हुए आगे बढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से हमारा प्रयोजन सफल होगा और वैश्विक स्तर के ऊपर हम अपनी बात कह पाएंगे। मुझे अवसर दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर दशोरा जी, आपने इस दोहे से शुरू किया था निंदक नियरे राखिए, लेकिन आपने निंदा नहीं की, और आलोचना पर मुझे कोई दोहा याद नहीं आ रहा है तो, लेकिन आपने बड़े अच्छे सुझाव दिए। मैं दो बातें इस विषय में कहना चाहूँगा कि ये जो जनरल सेशन होता है इसका उद्देश्य ही ये है कि विश्वविद्यालयों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पर बातचीत हो सके, और किसी एक व्यक्ति का विचार नहीं बल्कि सामूहिक रूप से जो मत बने उस मत को हम लोगों तक पहुंचा सकें। तो एक तो मेरा अनुरोध आप लोगों से ये होगा कि जब एक चिट्ठी हम आपको भेजते हैं कि बिजनेस सेशन या जनरल सेशन के लिए अगर आप कोई एजेंडा भेजना चाहें तो वो भेज दें, तो जैसे आज कोई 5 या 6 एजेंडा थे उसी प्रकार से अगर ये करिकुलम पर भी कोई और एजेंडा आ जाता कि कितना पढ़ाएं, कब तक पढ़ाएं, सब कुछ क्या पढ़ाने की संभावना है, तो हम अवश्य इस पर विचार करते। लेकिन एक बात मुझे जो आपसे की बात सुन करके लगी कि शायद इसकी संभावना हो सकती है कि हम लोग अगले सालों से कोई 1-1.5 घंटे का सेशन एक ओपन हाउस की तरह भी रख दें कि जिसमें उस समय मन में जो विचार आए उन विचारों को प्रकट किया जा सके और उनको भी उन पर भी अपने विचार तय किए जा सके। यहाँ तो इस पर करेंगे। आपने यूनिवर्सिटी न्यूज़ के हिंदी रूपांतरण की बात की, आज से कोई 1 साल पहले यह विषय हमारी गवर्निंग काउंसिल और हमारी फिनांस कमेटी में भी आया था कि क्या ये संभव है कि हम यूनिवर्सिटी न्यूज़ का एक हिंदी एडिशन भी निकालना शुरू करें, और उस समय अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्रा जी ने आगे बढ़ करके ये कहा कि वो इस जिम्मेदारी को लेने को तैयार हैं, और उनकी ओर से, बल्कि उनके कहने पर उनके विश्वविद्यालय की ओर से एक प्रस्ताव AIU के सामने आ गया है। इस पर हम लोगों को एक मीटिंग करनी है, और आवश्यक रूप से हम लोग ये चाहेंगे कि साल में 52 इश्यूज निकलते हैं यूनिवर्सिटी न्यूज़ के प्रत्येक सप्ताह, और जो 2-3 लोग मिल करके और ख़ास करके यूनिवर्सिटी न्यूज़ की जो एडिटर हैं, बीच में कुछ दिन तक अमरेंद्र पानी जी देख रहे थे, उसके पहले रमा जी देख रही थी, अब दोबारा रमा जी देख रही हैं, तो अच्छा खासा वो काम हो जाता है, क्योंकि हमारी जो कुछ उसकी जो बाध्यताएं हैं कि वो गुरुवार तक वो वॉल्यूम तैयार होना चाहिए, शुक्रवार तक प्रेस में चला जाना चाहिए, मंगलवार तक डाखाने में वो डिलीवर हो जाना चाहिए वरना फाइन लगनी शुरू हो जाती है, तो इन सब को हम ध्यान में रखते हुए ये देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि क्या प्रत्येक उसका जो है वो हिंदी अनुवाद या कुछ चुनिंदा लेखों के हिंदी अनुवाद
जो अच्छे लेख हों, तो इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं बहुत संजीदगी के साथ, और हो सकता है कि जल्द ही आपको इसे हिंदी में भी देखने का अवसर मिले। अब समय आ गया है कि इस प्रोग्राम का समापन किया जाए, और इस प्रोग्राम में जो तय हुआ उसके अनुसार मुझे भी कुछ दो शब्द कहने हैं। तो पहली चीज तो मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ, तमाम कुलपतिगण का, हमारे पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर वाईसी सिमाद्री साहब जो अभी भी यहाँ पर हैं, प्रोफेसर एफसी पाटिल साहब का और प्रोफेसर पीटी चांडे साहब का जो हमारे पूर्व अध्यक्ष थे, ये तीनों लोग आए, आप सब लोग आए, और इसके कारण ये प्रोग्राम संभव हो सका। और इसी के साथ साथ मैं भारतीय विश्वविद्यालय संघ की ओर से केंद्रीय उच्च तिब्बतन संस्थान के कुलपति प्रोफेसर सामटेन जी, उनके रजिस्ट्रार प्रोफेसर उपाध्याय जी और इस प्रोग्राम के संयोजक प्रोफेसर डीआर सिंह जी, और आप सब लोगों के साथ साथ आपकी टीम में जितने भी लोग थे, शिक्षक, अधिकारी, विद्यार्थी, उन सब का हम बहुत आभार प्रकट करते हैं। हर एक का नाम लेना संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अगर हम दो नाम लेंगे तो शायद 20 नाम उसमें छूट जाएं। ये जो आप लोग देख रहे हैं कि ये इस हाल की जो सज्जा हुई है, इसमें जितने ये झंडियाँ झंडे लगाए गए हैं, ये सब साधारण कागज़ के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि इन सब पर प्रार्थनाएं छपी हुई हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने, बहुत सारे लोगों ने मिल करके इसके लिए प्रयास किया होगा। लॉजिस्टिक्स का मैनेजमेंट, खाने का मैनेजमेंट, तो बहुत सारे लोग लगे हैं, मैं उन सब लोगों का आभार प्रकट करता हूँ। और इस आभार के लिए मेरे पास शब्दों की कमी है, इसलिए जो पुराने ज़माने में चिट्ठियाँ लिखी जाती थीं और उसमें ये कहा जाता था कि कम लिखे को अधिक समझना, इसलिए कम कहे को अधिक समझना, मैं बहुत आभारी हूँ। इस समय उच्च शिक्षा को लेकर के देश में बहुत सारी संस्थाएं हैं, हालांकि उन सारी संस्थाओं का, जिनको कि हम रेगुलेटरी बॉडीज कहते हैं, उन सब का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना, उच्च शिक्षा का विकास और विस्तार करना है, और वो तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक के आप जो लोग ग्राउंड्स पर हैं, जो लोग दिन रात उसे बरत रहे हैं, झेल रहे हैं, उनको आप अपने साथ न लें। तो काम तो सारी रेगुलेटरी बॉडीज का ये होना चाहिए कि कुलपतियों के साथ लगातार संवाद बनाए रखें और उनसे उनकी समस्याओं, उनके विश्वविद्यालयों की आवश्यकताओं के बारे में बातचीत करते रहें। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि बाकी जो सारी संस्थाएं हैं, या तो वो सम्मेलन करती नहीं हैं, या सम्मेलन करती भी हैं तो उसमें आदेश और निर्देश ज़्यादा होते हैं, सुनने की बात कम होती है। हमें ये बड़ी खुशी है कि भारतीय विश्वविद्यालय संघ एक ऐसी संस्था है जिसमें हम सुनाने का काम नहीं करते, बल्कि आप लोगों से सुनने, समझने और एक मिलीजुली समझ को पैदा करने का काम करते हैं, और यही हमारी शक्ति है और यही हमारा योगदान है। इसलिए क्षेत्रीय सम्मेलनों में, गोल में सम्मेलनों में और राष्ट्रीय सम्मेलन में आप सब लोगों की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। कम से कम एक फोरम ऐसा है जहां आप खुल करके अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, और
मैं अपनी ओर से और जो विश्वविद्यालय संघ के जो अधिकारी पदाधिकारी हैं उनकी ओर से ये वादा करते हैं कि उनको उतनी ही ईमानदारी के साथ अपनी योग्यता अनुसार हम उसे लिखेंगे और लोगों तक पहुंचाने की बात करेंगे। एक कारण और भी है कि मुझे ये अवसर मिलता रहा है कि मैं आपके विश्वविद्यालयों में भी आता रहा हूं और आपको आपके कार्यालयों में भी देखता हूं और यहां भी देखता हूं, और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जब मैं आपको यहां इन विश्व कुलपतियों के सम्मेलन में देखता हूं तो आपको अधिक हर्षित और खुश देखता हूं। इसलिए भी आपके स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है कि साल में 2-3 दिन 4 दिन का समय निकालें और यहां आएं, और ये जो 2-3 दिन की जो खुशी है, जो 2-3 दिन की जो आज़ादी है, वो शायद 1 साल तक आपके अंदर वो एक ऐसी ऊर्जा भरेगी कि आप उससे चार्ज्ड होंगे। वरना हम सबको मालूम है कि कुलपतियों के रूप में हमारा जीवन कैसा है। मैं अक्सर इस बात को आपके साथ कह भी चुका हूँ, जो लोग पहले अटेंड कर चुके हैं उनसे क्षमा के साथ, कि एक विश्वविद्यालय में एक अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेशन आया, 3 दिन वहाँ रहा, अलग अलग विभागों का उसने भ्रमण किया। 3रे दिन कुलपति जी ने उन्हें एक भोज पर आमंत्रित किया और भोज से पहले उस डेलीगेशन के लोगों का वो परिचय करा रहे थे कि ये हमारे डीन सोशल साइंस हैं, ये हमारे डीन ह्यूमैनिटीज़ हैं, ये हमारे डीन स्टूडेंट वेलफेयर हैं, और फिर उन्होंने कहा कि ये प्रोफेसर सो एंड सो हैं और ही इज़ प्रो वाइस चांसलर। तो जो अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेशन के हेड थे उन्होंने कहा, थैंक्स गॉड यू हैव एटलीस्ट 1 पर्सन इन योर यूनिवर्सिटी हु इज प्रो वाइस चांसलर, अदरवाइज फॉर द पास्ट 3 डेज वी हैव बिन मीटिंग पीपल हु वर ऑल एंटी वाइस चांसलर्स। तो जब आप 32 दांतों के बीच में साल भर रहते हैं तो 2-3 दिन का समय आप निकालें तो यहाँ से एक चार्ज होकर के जाएंगे। और इमोशनल कोशेंट में ये भी बताया जाता है कि जब आप रिचार्ज होकर जाते हैं तो आपकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, कैपेसिटीज़ बढ़ जाती हैं, इसलिए भी ज़रूरी है। अभी जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि कुछ दिन पहले राज्यसभा को याद आया कि भारतीय विश्वविद्यालय संघ की एनुअल रिपोर्ट्स और एनुअल अकाउंट राज्यसभा के पटल पर प्रस्तुत क्यों नहीं किए जाते, और भारतीय विश्वविद्यालय संघ की गवर्निंग काउंसिल में भारत सरकार का कोई प्रतिनिधि क्यों नहीं है, वगैरह वगैरह। हम लोगों ने उसके अपने उत्तर दिए, लेकिन एक राज्यसभा के 10 सदस्यों वाली एक समिति आई जिसमें के 10 वो लोग थे, 8 उनके अधिकारी लोग थे, तो उसमें एक राज्यसभा के सदस्य थे कश्यप साहब। तो उन्होंने सारी बातचीत करते समय उन्होंने कहा कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि ये आप लोग हर साल जो हैं वो 6 सम्मेलन करते हैं, एक राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन करते हैं, और आप लोग जो हैं वो अपनी संस्तुतियाँ रिकमेंडेशंस सरकार को भेजते हैं, तो आप ये बताइए कि उसमें से कितनी रिकमेंडेशन सरकार ने स्वीकार की, कितनी स्वीकार नहीं की, जो स्वीकार नहीं की उसके कारण क्या थे, और क्या आपको कभी कोई ये बताता है कि वो संस्तुतियाँ स्वीकार की गई या नहीं की गई। जाहिर है कि इस प्रश्न का उत्तर देना बड़ा मुश्किल है, हम तो ईमानदारी के साथ वो कंपाइलेशन उनको भेजते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि उनमें से बहुत सारी बातें मान ली गई, कभी लगता है कि उनमें से कोई बात नहीं मानी गई। तो मैंने कश्यप जी का जवाब जो दिया था वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि आपके मन में भी शायद ये विचार उठता होगा कि यार ये हम सब लोग हर साल मिलते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, सुझाव देते हैं, लेकिन उसके बाद होता क्या है, सरकार करती क्या है। तो मैंने जो बात जवाब कश्यप जी को दिया था वो ये था कि वो जो उनका काम है, वो जो उनका काम है अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो हम लोग तो ये मोहब्बत का पैगाम है जो हम लोग आपस में शेयर करते हैं, इकट्ठा करते हैं और उनको शेयर करते हैं इस विश्वास के साथ कि अगर उनमें कुछ बातें अच्छी होंगी तो वो मान ली जाएंगी,
और उनमें से बहुत सारी बातें मानी भी जाती हैं, जैसे कि पता नहीं कितने सालों से भारतीय विश्वविद्यालय संघ ये कहता रहा कि विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर कुछ होना चाहिए, तो चले कम से कम ग्रेडेड ऑटोनॉमी का ही आइडिया आया तो। अभी शुरू में 62 विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता मिली है, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में शायद ये 62 से बढ़कर के 620 विश्वविद्यालयों तक पहुंच जाए, तो धीरे धीरे इनका असर होता है। कम से कम हम ये बात करते रहे हैं कि विश्वविद्यालयों को सरकार द्वारा जो इन्वेस्टमेंट है वो किया जाना चाहिए, तो कम से कम इतना तो असर है कि अभी कोई खुल के ये नहीं कह रहा है, चाहे कोई मंत्री हो या सरकार हो, कि नहीं नहीं साहब अब जो है विश्वविद्यालयों को सरकार के द्वारा सहायता नहीं दी जाएगी। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम कहीं ना कहीं एक ग्लानि की भावना तो होती है। तो बहरहाल ये है, आप लोग आते रहिए, पार्टिसिपेट करते रहिए, उसके बिना भारतीय विश्वविद्यालय संघ का कोई औचित्य नहीं है। एक प्रस्ताव यहाँ पर और आया था कि हमारी जो गवर्निंग काउंसिल है, जो प्रेसिडेंट है, उसमें महिला कुलपतियों का भी की भी भागीदारी होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि हम लोगों की भारतीय विश्वविद्यालय संघ की शुरू से ये मांग रही है कि महिलाओं की का प्रतिनिधित्व कुलपतियों का चयन करते समय भी किया जाना चाहिए। एक समय था जबकि लगभग 10% विश्वविद्यालयों की कुलपति महिलाएं थीं, आज वो संख्या दुर्भाग्यवश घट करके शायद 4 या 5% हो गई है, बल्कि जो कोई 24 महिला विश्वविद्यालय हैं उसमें से भी 2-3 में पुरुष कुलपति हैं। तो हम लोग ये मांग करते रहे हैं कि भाई महिलाओं का प्रतिनिधित्व आप बढ़ाइए। फैकल्टी में लगभग 30% महिलाएं हैं, अगर 30% नहीं तो कम से कम शुरुआत तो आप 20% कीजिए। लक्ष्य हमारा ये होना चाहिए कि आधी महिलाएं हों, ताकि जब हम अपनी एनुअल जनरल मीटिंग करें तो उसमें आधी आधी संख्या में महिला और पुरुष कुलपति मौजूद हों। अब जहां तक बात यह आई है कि जितनी मौजूद हैं उनमें से भी जो है वो गवर्निंग काउंसिल, तो हम लोग बैलेंसिंग करने की कोशिश करते हैं, चलें इस पर और विचार करेंगे। बहरहाल मैं आप लोगों का और अधिक समय न ले करके एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, खासकर इस विश्वविद्यालय का, आपके समस्त लोगों का, और साथ ही मैं इस मामले में बड़ा कंजूस हुआ हूं कि अपने भारतीय विश्वविद्यालय संघ के जो अधिकारी कर्मचारी हैं अक्सर मैं उनकी तारीफ नहीं करता हूं, क्योंकि मेरी समस्या ये है कि मैं खुद को उनसे अलग करके नहीं देख पाता, तो मुझे लगता है कि जब उनकी प्रशंसा करेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारी प्रशंसा भी होगी, तो इसलिए मैं संकोच कर जाता हूं। लेकिन मुझे मालूम है कि इन लोगों को भी शिकायत होती होगी, इसलिए आज उस संकोच को तोड़ते हुए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं कि ये लोग अपनी लिमिटेशंस के बावजूद, अपनी जो सीमाएं हैं उसके बावजूद, ये लोग जितने लगन के साथ आप सब लोगों को जोड़ने और इस तरह के आयोजनों को कामयाब बनाने का जो काम करते हैं, मैं विशेष रूप से नाम लूंगा हमारे साथी सैमसन डेविड जी का। इस बार कल्चरल प्रोग्राम में इनकी कोई संगीत नहीं हो पाई, जिसका अफसोस। डॉक्टर वीना भल्ला जी का, जो कि वाकई मतलब लोगों को कोऑर्डिनेट करने और लोगों को तक कम्युनिकेट करने में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। रिसर्च डिवीजन के अध्यक्ष डॉक्टर अमरेंद्र पानी, यूनिवर्सिटी न्यूज़ की एडिटर डॉक्टर रमा देवी पानी, और प्रदीप कुमार भारद्वाज जी, और उनके साथ आए हुए 2 और लोग। AIU बहुत बड़ी संस्था नहीं है, बहुत थोड़े से लोग हैं, ये इनकी अपनी लगन है और इनकी अपनी एक जुड़ाव है बहुत दिनों से, कि ये लोग दिल से लग जाते हैं, तो आप लोगों ने इनका भी मनोबल बढ़ाया, मैं इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ।
एक बार फिर इसी शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूं और आपको खाने पर आमंत्रित करता हूं। और नहीं, एक काम तो रह गया अमरेन जी, इसके पहले कि आपको बुलाया पधारे, मैं अनुरोध करता हूं प्रोफेसर डी आर सिंह जी से कि वो यहां पर आए। जैसा कि हमारे साथी हरिकेश सिंह जी कह रहे थे कि हरिकेश सिंह जी और डी आर सिंह जी और मैं इत्तेफाक से एक ही ज़िले के रहने वाले हैं, मुझे अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू तीन ज़बानें आती हैं, लेकिन जब मैं बनारस और गाज़ीपुर आता हूं तो मैं भोजपुरी भी बोलने लगता हूं, तो एक ये भी मेरे साथ में हो जाता है। तो इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हमारे इस संस्थान के कुलपति आदरणीय प्रोफेसर गेसेयन समतेन जी, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के सेक्रेटरी जनरल प्रोफेसर फरकान कमर जी, इस सभागार में उपस्थित विभिन्न विश्वविद्यालयों के माननीय कुलपतिगण, अपेक्स बॉडीज के सदस्यगण, विदेशी विश्वविद्यालयों से आए हुए प्रतिभागीगण, हमारे इस संस्थान के प्राध्यापकगण, कर्मचारीगण, मीडिया से आए हुए मीडिया के सदस्यगण, और कुछ इस इवेंट को प्रायोजित करने वाले प्रायोजकगण, प्रिय छात्र एवं छात्राओं, इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में जब हिज ऑनलीनेस की ब्लेसिंग मिल गई हो तो बाकी कुछ कहने की आवश्यकता है ही नहीं है। यह एक औपचारिकता है जिसको निभाने के लिए मुझे बुलाया गया है, मैं उसे निभा रहा हूं। हिज ऑनलीनेस की अनुपस्थित में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि उनका आना और उनका आशीर्वाद देना इस इवेंट की सफलता का मूल मंत्र है। अगर ये इवेंट सफल हुआ है तो उनके आशीर्वाद से हुआ है, तो उनके प्रति मैं हृदय से आभार प्रकट करते हुए सिर्फ निवेदन करना चाहूँगा कि वो उनका आशीर्वाद हम सबको हमेशा मिलता रहे। मैं आभारी हूँ एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के अधिकारी गण जिन्होंने हमें यह सम्मान दिया, इस कार्यक्रम को आयोजित करने का अवसर प्रदान किया। अगर यह अवसर नहीं मिलता तो आप सब लोगों के साथ, आप सब लोगों की सेवा करने का अवसर नहीं मिलता। हम आपकी सेवा करके अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, इसलिए मैं AIU के प्रेसिडेंट, AIU के जनरल सेक्रेटरी, AIU के वाइस प्रेसिडेंट, AIU के जितने भी लोग हैं सदस्य, मैं सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। किसी भी कार्यक्रम की सफलता में वहां के अधिकारी का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब हमसे ये कहा गया, एक मीटिंग में हमारे कुलपति जी ने कहा कि हम ये कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं, तो हमें लगा कि ये तो बड़ा कठिन कार्य है, हम कर कैसे पाएंगे। तो हमारे कुलपति जी कुछ इस तरह के व्यक्तित्व के धनी हैं कि उन्हें कोई कार्य असंभव दिखता ही नहीं। उन्होंने कहा करना है, बस करना है, करो। हम आप सबके पीछे खड़े हैं, जहां कहीं कठिनाई है मैं हूं, अगर आप नहीं कर सकते हो तो मैं करूंगा, लेकिन करना है, हमने कह दिया है करना है। तो यदि इस तरह के कुलपति हों, इस तरह के अधिकारी हों, तो बड़े से बड़ा कार्य भी सफल हो जाता है, सरल बन जाता है और करने में आनंद भी आता है। मैं अपने कुलपति जी का आभारी हूँ, यहाँ के अधिकारियों का आभारी हूँ कि जब जहाँ जैसे जिस स्थिति में कहीं कोई कठिनाई आई तो साथ में खड़े हुए अपना मार्गदर्शन दिया, और मार्गदर्शन ही नहीं दिया, खुद उसमें लग पड़े, इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
कोई भी कार्यक्रम तभी सफल होता है जब उस कार्यक्रम से जुड़े हुए सारे लोगों का सहयोग मिलता है। हमने विभिन्न समितियां बनाई, उन समितियों से जुड़े हुए जितने भी हमारे सदस्य रहे या हैं, चाहे वो प्राध्यापक गण रहे हों, चाहे कर्मचारी गण रहे हों, चाहे हमारे यहाँ के छात्र छात्राएं रही हों, बिना इनके सहयोग से यह कार्यक्रम पूरा हो ही नहीं सकता था। इन्होंने जिस तरह से दिन रात मेहनत कर इस कार्यक्रम को पूर्णता प्रदान की है, उसके लिए मैं इन सब लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ AIU के स्टाफ मेंबर्स का, सैमसन डेविड जी का, डॉक्टर अमरेंद्र पाणी जी का, डॉक्टर बीणा भल्ला जी का, डॉक्टर रमा देवी पाणी जी का, कि जब से यह कार्य हम लोगों को सौंपा गया तब से ये हमेशा हमको मार्गदर्शन देते रहे, और मार्गदर्शन ही नहीं देते रहे बल्कि इतने सहृदय भाव से, इतने सहयोग की भावना से और इतने प्यार से समझाते रहे कि मुझे हमको कभी लगा ही नहीं कि ये निर्देश हमको दे रहे हैं, जैसे लगा कि ये हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इनके लिए जो आदर भाव हमारे मन में है वह अव्यक्त है, मैं व्यक्त नहीं कर सकता, सिर्फ महसूस कर सकता हूँ। मैं आप सब लोगों का आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ खास तौर से जो हमारे कुलपति महोदय यहाँ आए हुए हैं। कई लोगों को रिक्वेस्ट हम लोग करते रहे, शुरू में मैं खुद ही नर्वस था कि पता नहीं कि कंसेंट नहीं मिल पा रहा है, क्या किया जाए, अगर आप लोग नहीं आएंगे, ये लोग नहीं आएंगे तो यह कार्यक्रम एक तरह से असफल हो जाएगा। लेकिन आपने अपनी अनुमति दी, आप यहाँ आए, हमको अवसर दिया आपकी सेवा करने का, आपकी बातें सुनने का। निश्चित रूप से आपके डिलिब्रेशंस, आपके डिस्कशंस और जो यहाँ पर आप लोगों ने विभिन्न टेक्निकल सेशंस में अपने सुझाव प्रस्तुत किए, यह निश्चित रूप से एक दूसरे लेवल पर यह कार्यक्रम गया, निश्चित रूप से यह ऊपर गया है और हमारे लिए यह एक प्रतिमान स्थापित करके, हमारे विश्वविद्यालय के लिए यह एक प्रतिमान स्थापित करके जा रहा है जो हमेशा हमारे लिए याद रहेगा। आप सब लोगों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ अपने छात्र छात्राओं का, अपने यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं, उन सब लोगों का, कि बिना उनके सहयोग के हम कुछ नहीं कर सकते थे। वो हमारे हाथ पांव हैं, उन्हीं के हाथ से, उन्हीं के पांव से, उन्हीं के दृष्टि से सब कुछ संपन्न हुआ है। मैं आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ मीडिया पर्सन्स का, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों, चाहे वो प्रिंट मीडिया के हों, कि जिस तरह से विगत 3 दिनों से उन्होंने न्यूज़ कवर किया है और उसको डिसमिनेट किया है, निश्चित रूप से समाज में, समाज के लिए एक अच्छा संदेश गया है और सामाजिक बदलाव निश्चित होगा। ये आपका दायित्व है, हमारा दायित्व है, सबका दायित्व है, इसमें आपकी सहभागिता है, इसको हम नकार नहीं सकते, इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ। इसी के साथ मैं एक बार पुनः आप सभी लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद।